हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया अपडेट वीडियो लेकर आया हूं। मित्रों, मैंने ऑनलाइन नर्सरी से मैंगो के कुछ प्लांट मंगवाए थे। कहां से मंगवाए थे वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। मेरे ये प्लांट में फंगस लग गई थी। 10-12 दिन तक बॉक्स में रहने के कारण उस पर फंगस लग गई थी। ये बात मैंने पहले की वीडियो में बताई थी। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हो, अन्यथा वीडियो की स्क्रीन ऊपर जो लिंक आएगी वहां जाकर भी देख सकते हो। मैंने मेरे प्लांट को फंगिसाइड और ऑर्गेनिक खाद से ट्रीट किया है। ऑर्गेनिक खाद की लिंक भी वीडियो की स्क्रीन ऊपर दिख जाएगी। मित्रों, आप जो देख रहे हो ये मेरे प्लांट्स है जो मैंने ऑनलाइन नर्सरी से मंगवाए थे। लगभग एक महीना हो गया है उसका। देखो, अब इसमें नया फूटा आया है, नए पत्ते आ गए हैं, आप देख सकते हो। मैं बारी बारी से आपको उसे दिखाऊंगा। ये मेरा पहला प्लांट्स है। देखो, ये पहला इरविन मैंगो का प्लांट है और बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गया था। मैंने उसे ऊपर से काट दिया था क्योंकि वो मरने वाला था। अब वो चल गया है। ये सुवर्ण रेखा का है, उसमें भी फंगस लग गई थी और सब पत्ते झड़ गए थे। अब उसकी भी पत्तियाँ आ गई हैं। देखो, एक ऐसा है, इसमें मैं वो मोर भी आया है, शायद उसमें एक आध मैंगो आ जाए। ये मेरा तीसरा प्लांट है, कार्टिमोन मैंगो का। उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी, लेकिन वो भी अब चलने लगा है। देखो, उसके भी नए पत्ते आए हैं। और ये मेरा चौथा प्लांट है, वो आम्रपाली है, उसमें भी नए पत्ते आ गए हैं। देखो कैसे नए पत्ते आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से फूट गया है वो। तो मित्रों, ये मेरे प्लांट की हालत है, मेरा प्लांट का अपडेट है, देखो। और मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा नया आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो मित्रों, मैंने उसे ये ट्रीट किया है और चलने लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स।